अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग मिल मैंने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी नान में। तो ये आज आपको सिखा रहे हैं, ये है कीमे वाले नान। तो सबसे पहले हमने इसका जो डो गूंदना है, जो कि नान के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर मेरे पास मैदा है आधा किलो। इसमें अब आप डालेंगे बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, और बीच में आप डालेंगे नमक 1 टीस्पून। खमीर जो होती है यानी कि ईस्ट 1 टीस्पून जाएगी। भर कर डालिएगा प्लीज़। तमाम चीज़ों को पहले जो ड्राई वाली हैं इनको हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। खुश्क मिल्क का पाउडर जो होता है, कोई भी आप इस्तेमाल कर लें। मैं यहाँ पर नीडो का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपको उसके लिए चाहिए होंगे 3 टेबल स्पून। तो जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं हमने पहले मिक्स कर लिए, ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से कम्बाइन हो जाए। वरना फिर होता है कि कहीं पर खमीर होता है, कहीं पर नहीं। तो इसको ख्याल में रखते हुए पहले चीज़ों को मिक्स कर लिया, ठीक है। अब आपने इसको यहाँ पर गूंदना है नीम गर्म पानी के साथ में, दैट्स लूक वार्म वाटर। ठंडे पानी से गूंदेंगे तो आपको पता है कि यीस्ट राइज नहीं होती है। तो आपने इसको जो है मीडियम डो गूंदना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप आहिस्ता से इसमें पानी ऐड करेंगे, ना ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा सख्त। आपने इसका जो है आटा गूंदना है, दरमियाना आटा गूंदेंगे। तो इस तरीके से आहिस्ता सा पानी डाल रही हूँ। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें, या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद वो आपने इसको तकरीबन यहाँ पर 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से गूंदना है। उठा कर यूँ पटकेंगे और फिर इसको यूँ आपने गूंद लेना, ठीक है। और इसको राइस करने का कुछ यूँ होगा कि आप इसको गूंद करके किसी गर्म जगह पे इसको रख दें, ठीक है। विंटर्स हैं, टाइम लेता है राइस होने में, और अगर गर्मी है तो जल्दी राइज हो जाता है। तो विंटर्स है आजकल, तो ये मुझे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे इसको लग सकते हैं। लेकिन इसका ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। अगर जल्दी राइज करना है तो अवन को आप गर्म कर लें, 5-10 मिनट के लिए अवन को गर्म करें। उसके बाद उसकी जो है अवन बंद कर दें, इसे कवर करके बीच में रख दें, ठीक है, मिडल रैक में। ये जल्दी राइज हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार टिप है जो मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ जब मैंने पिज्ज़ा बनाना होता है या नान। तो इसको मैं आप अच्छे से गूंदती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर गूंद लिया। अब इसके ऊपर आप हल्का सा तेल लगाएंगे ताकि इस पर क्रस्ट ना फॉर्म हो। तो हिसाब से तेल लगा लें, कुछ ज़्यादा नहीं है, रफली 1-2 टेबल स्पून ही होगा। इसे कवर करेंगे और इसको छोड़ देंगे जब तक ये डबल ट्रिपल अपने वॉल्यूम में हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन का कीमा है, आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसको आज हम कच्चे कीमे के साथ बनाएंगे, जो कि रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो कीमा है वो आधा किलो बोनलेस चिकन का कीमा है। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून लेवल्ड हैं, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1.5 टीस्पून लेवल्ड, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून लेवल्ड। अगर आपको मिर्चें और नमक ज़्यादा पसंद है तो आप अपने जो है जायके मुताबिक उसको ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कुटा हुआ धनिया बीच में जाएगा 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, थोड़ा सा भरकर है। बीच में आप डालेंगे 1 प्याज दरमियाने साइज की, बिल्कुल देखें फाइनली आपने इसको यूँ चॉप कर लेना है। और अदरक जाएगी 1 टेबल स्पून चॉप्ड, और बीच में जाएंगी हरी मिर्चें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखेंगे, और अगर 2 बाइट्स कर लें तो वो बेहतर है आपके लिए। हरी मिर्चें मैं इसमें 4 डाली हैं फाइनली चॉप करके। अंडा का सिर्फ जर्दी इसमें जाएगा, 1 अंडे की जर्दी डालेंगे आप, जो सफ़ेदी वो फेंकीगा मत, उससे किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें, अगले दिन ऑमलेट वगैरह कुछ बनाएंगे तो उसमें डाल दें। और फिर बीच में जाएगा हरा धनिया, थोड़ा सा मुट्ठी भर ही डाल रही हूँ। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे कवर कर कर आप रख देंगे। इसमें कि सारा जायके भी अच्छे से हो जाएंगे, चिकन में मिक्सअप हो जाएंगे, प्लस हमारा जो डो है वो भी राइस हो जाएगा तब तक। यहाँ पर डो राइस हो गई है, इसे हटाते हैं क्लिंग फिल्म को, और इसको आपने पंच डाउन करना है ताकि जो है एक्स्ट्रा हवा बीच में से रिलीज हो जाए।
अब इसके पेड़े हमने बनाने हैं, तो इक्वली जो है अब आपकी मर्जी कि आपने कितने बड़े या छोटे बनाने, ठीक है, उसके हिसाब से आप जो है इसके पीसेस कर लें और वो फिर इसको जो है पेड़े की शक्ल दे देंगे। ओवन को प्री हीट कर लें 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर, और जो है फिर हम इसके नान बनाते हैं। तो एक एक पेड़ा आप उठाते हैं और उसको अपने सिक्के से नीट शेप दे देनी है, ठीक है। इस तरह तमाम पेड़ों को तैयार करके एक साइड पर रखते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं हमने इसको नान के साथ बनाना है। अब आपने क्या करना है, जो आपका वर्किंग सरफेस है उस पर थोड़ा सा आपने उसका जो है मैदा या डाल लेना है, वो इसलिए ताकि जो है ये स्टिक ना करे, ठीक है। इसको यहाँ पर आप थोड़ा सा रोल करते हो, ज़्यादा नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा ही, ताकि हम बीच में इसमें फिलिंग डाल सकें। अब इसमें जेनरस अमाउंट डालिएगा। ये घर पर बनाने का यही मज़ा है कि आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा फिलिंग डाल सकते हैं, क्योंकि जो हम बाज़ार से नान लेते हैं कीमे वाले, तो उसमें फिलिंग बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। तो ये मैंने इसमें फिलिंग डाल दी। अब आपने क्या करना है, इसको साइडों से आप उठाते हैं और इसी के से आपने अंदर की तरफ आप इसको फोल्ड करते जाओगे इस तरह, ठीक है। अच्छे से इसको आपने नीचे से सील कर लेना ताकि आपकी फिलिंग जो है बीच में से रिमूव ना हो। अब आपको बेलने की ज़रूरत तो नहीं होती इसको, वो इसलिए क्योंकि जो हम डो गूंथते हैं वो जब ढल जाता है यानी कि सेट हो जाता है परफेक्टली, आराम से वो जो है हाथों की मदद से ही आप उसको फैला सकते हैं। लेकिन अगर आपको इशू होता है तो फिर आप बेलन इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करूँगी। अब आपने क्या करना है, आप एक लेंगे बेकिंग ट्रे, उस पर मैंने फॉइल लगा लिया हुआ है, तो आप इसको उठाते हैं, इस पर हम रखेंगे इसे, ठीक है, और अब इसको आप अपने हाथों की मदद से फैला लें। इस पे आपने जो है फर्मली जो आपके फिंगर टिप्स के पोटे होते हैं उसके साथ आपने इसको दबाना है ताकि जो है इस पर इम्प्रेशन बनते जाए, अगर यूँ फट भी जाए दैट इज़ फाइन। अब आप उसके ऊपर तेल डाल दें, दोबारा इसको थोड़ा सा इस तरह दबाने से कि वो अच्छे से बीच में जो है नान के चले जाता है। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया ले लेते हैं, हरा धनिया नहीं है पुदीना डाल लें, ठीक है ना। अवन जो है अच्छे से प्री हीट हो गया हुआ है, अब इसे हम डालेंगे अवन में और इसे बेक होने देंगे, क्योंकि बीच में कच्चा कीमा है इसका ख्याल रखते हुए 20 से 25 मिनट इसको लगेंगे। मिडल रैक में रखेंगे और इसको बेक होने देते हैं। आपको मैंने बता दिया कि अवन को आपने किस तरह प्री हीट करना है, किस डिग्री भी, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ बीच में से इसको निकाल कर। तो देख लें अब आपने क्या करना होता है कि आप इसको बीच में से निकालते हैं, 10 मिनट बाद निकालिएगा, और मक्खन या घी जो आपको इस पर ब्रश करना है वो आप इस पर यूँ लगाते हैं और फिर इसको दोबारा आप ओवन में रख देंगे। उसका बाकी का रिमेनिंग टाइम है इसको बेक हो जाने दें और फिर इसे गर्मा गर्म निकाल कर डिश आउट करते हैं। अगर आप इसे गर्म गर्म सर्व कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, आप निकालें उसको स्ट्रेट अवे सर्व करते हैं, लेकिन अगर आपने उसको रखना है और लेटर ऑन खाना तो उसका जो ट्रिक या टिप वो यही होता है कि आप उसे निकालते हैं, उस पर आपने पानी हाथों को गीला करके सिर्फ यूँ उसके ऊपर हल्का सा छट्टा देना होता है पानी का, और उसको स्ट्रेट अवे फॉइल के अंदर में कवर करते हैं, ठीक है, फॉइल में कवर करें और उसको ऊपर कपड़ा रखकर हॉट पॉट में रख दें या जहाँ पे भी आपने रखना है। तो अगर आप देख लें तो नीचे से माशाल्लाह परफेक्टली नान डन है और अंदर से इसकी फिलिंग भी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुकी हुई है, ये देखें।
ठीक है, ये तय आप देख सकते हैं। आपको मैं काट कर भी दिखाऊंगी, लेकिन बाकी के भी नान जो हम इसका तैयार कर लेते हैं पहले, और उसके बाद इन्हें करते हैं डिश आउट। इस तरीके से आप उसको बनाते हैं, और आपको बता दिया कि आप उसको किस तरीके से रख सकते हैं अगर आपने लेटर ऑन सर्व करना है, कि पानी का छींटा लगाइएगा और उसको जो है फॉइल में डालकर ऊपर रोटी का कपड़ा डाल दें, तो ये बहुत अच्छे से जो है नरम रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक दफा दिखा भी देती हूँ कि परफेक्टली इसकी फिलिंग देख लें। ठीक है, इसी के से आप इन्हें बनाते हैं, सर्व कीजिएगा। लहसुन का रायता हो जाए, सादा जीरे वाला रायता, या फिर पुदीने की चटनी के साथ में दही को मिक्स कर लें, साथ में कोई ड्रिंक्स वगैरह सर्व कीजिएगा। तो रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर whiskcookwithfaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप ही डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।